पॉलिसिस फीमेल महिलाओं के लिए एक सबसे ज़रूरी टॉपिक है आज का uh, कई महिलाओं को पी के वजह से मोटापा इनफर्टिलिटी और बच्चे ना पैदा होना इस तरीके के दिक्कत का फेस uh, करनी पड़ रही है अनफॉर्चुनेटली ये एक uh, बहुत कॉमन और कॉमन और कॉमन होती जा रही बीमारी uh, है पॉलिसिस्टिक ओवरियन डिजीज़ पॉलिसटिक ओवरियन सिंड्रोम तो हमारी अपनी ख़ुद की कोशिश इसी तरफ रहती है कि जितना हो सके आ, पॉलिसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम जो है वो आपको उतने डिटेल में हम समझा दें ताकि आप उसके जब आप अपने दुश्मन को जान लेते हो तो फिर दुश्मन से निपटना और भी आसान हो जाता है ये हमारा मानना है तो भाई आप इसको समझने हैं समझने के लिए थोड़ी बातें और समझनी पड़ेंगी कि पॉलिसिस्टिक ओवरियन डिजीज सिंड्रोम ये एक हार्मोनल इंबैलेंस वाला बीमारी है और हार्मोनल इंबैलेंस मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम कर सकता है सो so यहाँ दोनों हो रहा है देर इज़ अ हार्मोनल इंबैलेंस एंड देर इज मेटाबॉलिक इशू सो पॉलिसिस्टिक ओवरी मतलब ओवरी आपके अंडकोशें फीमेल जो ओवरीज हैं उसमें दिक्कत आ रही है मगर मगर ये जरूरी नहीं है कि पॉलिसिस्टिक ओवरी होगा तो आपको इनफर्टिलिटी होगा बिल्कुल कतई ज़रूरी नहीं है इनफर्टिलिटी एक डिफरेंट एस्पेक्ट आ गया वो कंपलसरी नहीं है इसके साथ याद रखिए यू कैन डेफिनेटली एंड वेरी वेल गेट प्रेग्नेंट नेचुरली विथ पॉलिसिस्टिक ओवरियन डिजीज और सिंड्रोम बट यह भी सच्चाई है कि पॉलिसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम या डिजीज इनफर्टिलिटी का एक कॉमन कारण है इनफर्टिलिटी हो भी सकती है जरूरी नहीं है पर हो सकती है रिसर्च ये बताती है कि तीन से पांच से तेरह परसेंट विमेन को पॉलिसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम बीमारी है लेकिन ये ट्रीटेबल है और ये इनफर्टिलिटी से रिलेटेड भी है कैसे देखिए पॉलिसिस्टिक का मतलब आपके हॉर्मोन्स में इम्बैलेंस हैं आपके अंदर कौन से हार्मोन ज़्यादा हैं जो जो नहीं होने चाहिए यानी कि एंड्रोजन यानी मेल हार्मोन वो ज़्यादा है जो नहीं होने चाहिए आपके जो आ, ओवरीज हैं ओवरीज के अंदर छोटे 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 कंचे जैसे गोले गोले जैसे गुप जैसे गुब्बारे जैसे स्मॉल पेनलेस लिक्विड फील्ड सैक्स बन जाते हैं जिसकी वजह से उसमें मोती की माला जैसे दिखता है पॉलिसिस्टिक ओवरी और ओवरी के आसपास का जो शेल है वो मोटा हो जाता है और इस वजह से ओवरी फूटती नहीं है ओवरी के अंदर अंडे अंडे जमा होने लग जाते हैं और इसकी के अंदर आपके अंदर स्लोली 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 इंसुलिन का लेवल बढ़ने लगता है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस करता है उसकी वजह से आप मोटे होने लगते हैं धीरे धीरे मोटे भी होते हैं बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स सो ऑल दीज कैन इंटरफियर विथ ओव्यूलेशन याद रखिए अब अगर ओवरी का बाहरी लेयर सख्त हो गया और जो अंडे निकलने थे वो अंडे अंदर ही अंदर गोले बनते जा रहे हैं तो फिर कहाँ से बच्चा पैदा होगा लेकिन ऐसा नहीं है कि हर हर अंडा वहीं बचेगा हर महीने का सो तो वो बाहर भी निकलते हैं कुछ निकल सकते हैं तो बीच बीच में हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रेगुलर ट्राई करें राइट रेगुलर रेगुलर आपने कोशिशें करनी जरूर है कोशिशें कामयाब होती है तो कोशिश करते रहिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो और साथ ही इसके साथ पॉलिसिस्टिक ओवरियन डिजीज का एक हॉलमार्क है कि आपका पीरियड्स में आपको थोड़ी दिक्कतें होंगी पीरियड्स में आपको प्रॉब्लमें आएंगी पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं मिस हो सकते हैं बहरहाल उससे हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मतलब उसके लिए मेडिकेशन है बहुत सिंपल सिंपल सी और मेडिकेशन से बहुत आसानी से पीरियड्स को रेगुलेट किया जा सकता है अब प्रिवेलेंस की बात करें कि कितने परसेंटेज कितने प्रतिशत लोगों को पॉलिसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम के साथ इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम होता है तो भैया 70 टू 80 परसेंट जी हाँ 70 से 80 परसेंट यानी केवल 20 प्रतिशत चांस है आपके प्रेग्नेंट होने के लेकिन चांस ज़ीरो नहीं है आप अगर ट्राई ज़्यादा करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा सो ऑल इट नीड्स इज अ विल वेर देर इज़ अ विल देर इज अ वे तो पॉलिसिस्टिक ओवरिन सिंड्रोम पॉलिसिस्टिक ओवेन डिजीज़ को पहचानने की कोशिश करें पहचानने के लिए उसके सिम्टम्स को समझें सिम्टम्स में क्या होगा ऑब्वियसली आपके मेल हार्मोन ज़्यादा हैं तो आपके मेल कैरेक्टर्स ज़्यादा हो जाएंगे मतलब मेल के कैरेक्टर क्या है बाल ज़्यादा आना तो आपके बाल ज़्यादा आएंगे कहाँ पे फेस पे नाक पे यहाँ पे सबसे पहले तो यही दिखता है अरे भाई मेरे को तो ये बाल आ रहे हैं मैं तो लेडीज मेरे को ये बाल क्यों आ रहे सो so, सीधी सीधी बात आपको दिखने लगेगी और सर के बाल पतले होने लगेंगे और स्किन थोड़ी ऑयली होने लगेगी बहुत खूंखार या थोड़े से ज़्यादा एक्नी आएंगे स्किन टैग्स आने लगेंगे ना और आपके गर्दन के आसपास डार्कनेस आने लगती है जिसको हम जो नेक में ग्रोइन में और ब्रेस्ट के अंदर आने लगता है उसको हम कहते हैं एक्न्थोसिस नाइग्रांस वेट गेन होने लगेगा और वेट लूज करना मुश्किल होता जाएगा सो दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट ये सारी चीज़ें हैं जो बताती हैं आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस रहेगा जिसके वजह से इंसुलिन लेवल आपके बॉडी के अंदर आपके ब्लड में हाई मिलेगा अगर इसको नहीं आपने करेक्ट किया तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपको डायबिटीज़ का भी खतरा है और डायबिटीज़ हो जाएगी अगर आपने कुछ नहीं किया याद रखिएगा सिम्टम्स आपके फर्टिलिटी प्रॉब्लम में इस तरह से कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं अव्वल तो आपका इरेगुलर पीरियड्स है फिर आपके पीरियड कभी कभी होंगे नहीं और ज़्यादातर पीरियड्स में जो एग निकलना चाहिए जो ओवम निकलना है तो आएगा नहीं इक्के दुक्के पीरियड में आएगा उसमें आपने अगर इंटरकोर्स नहीं किया तो आपका नेचुरल वाला जो बेबी होना है वो नहीं होगा तो बहुत ही ज्यादा रेगुलर इंटरकोर्स करना बहुत जरूरी है ट्राई ट्राई टिल यू सक्सीड फर्टिलिटी ट्रीटमेंट बहुत सारे अवेलेबल हैं ऐसे लोगों के लिए जिनका पॉलिसिस्टिक ओवलिन सिंड्रोम के साथ इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आ रहा है राइट ना क्या क्या करेंगे नंबर वन आपको ओव्यूलेशन को के इशू को ठीक करना होगा कि ओव्यूलेशन हो नहीं तो ठीक कैसे करेंगे भाई नहीं तो बच्चा ही नहीं होगा वो एग बाहर ही नहीं आएगा तो बच्चा कहाँ से होगा दूसरा आपको मेटाबॉलिक प्रोसेस यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस को ट्रैक करना होगा और ठीक करना होगा राइट right. सो so, कैसे करते हैं नंबर एक अगर आपके मेटाबॉलिक सिंड्रोम आपके हार्मोनल इंबैलेंस हैं तो अगर इमीडिएट प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं तो हार्मोनल बर्थ कंट्रोल पिल्स यूज़ की जा सकती हैं जो लोग प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते या प्रेगनेंसी अभी बात की बात है राइट अनमेरिड हैं प्रेगनेंसी अवॉइड कर रहे हैं साल दो साल बात करेंगे तो हार्मोनल बर्थ कंट्रोल पिल्स दी जाती हैं जिससे आपके हॉर्मोन्स uh, जो हैं बैलेंस हो जाते हैं कुछ महीने दो महीने तीन महीने दे के फिर उसको गैप दिया जा सकता है ये ये आपके गायनेकोलॉजिस्ट अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं कि कितने दिन तक देना है साथ ही ये आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट करेंगे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे एंडोमेट्रियोसिस के लिए और जो कि एंडोमेट्रियोसिस पॉलिसिस्टिक ओवरन डिजीज के साथ काफ़ी एसोसिएटेड है आपको दूसरा हेल्दी वेट मेंटेन करना पड़ेगा तो उल्टा सील्टा खाने का नहीं और सलाद ज़्यादा खाना फ्रूट ज़्यादा खाना पानी ज़्यादा पीना एक्सरसाइज करनी है वॉकिंग करनी है जॉगिंग करनी है रनिंग करनी है स्किपिंग करनी है जो भी आपको करना है वो करो ठीक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेगुलर बैलेंड डाइट एंड एक्सरसाइज आर हेल्दी अच्छी नींद नो स्ट्रेस ऑल

उसके लिए हमारा नेचुरल फैमिली प्लानिंग वाला वीडियो ऑलरेडी है ओव्यूलेशन ट्रैकिंग जरूर करिएगा और फिर उसके हिसाब से आती है मेडिकेशन मेडिकेशन में आ जाती है क्लोमिफिन साइट्रेट सिलेक्लोमिड जो कि बॉडी बिल्डर बहुत लेते हैं वो पीसीटी करने के लिए लेकिन उसका एक्चुअल काम जो है आपके खून में जाके ओव्यूलेशन स्टिमुलेट करना है वो ओवलेशन करवाती है इट वर्क्स बाय ब्लॉकिंग ईस्ट्रोजन फीडबैक टू द ब्रेन और ईस्ट्रोजन फीडबैक नहीं मिलता है तो मेल्स में वो टेस्टिस को स्टिमुलेट करता है फीमेल्स में अंडो को स्टिमुलेट करता है ओविलेशन के लिए तो फीमेल्स में ओवुलेशन और मेल्स में टेस्टोस्टिरोन का लेवल फीडबैक द्वारा बढ़ाया जाता है क्लोमेफिन साइट्रेट के द्वारा ओवरऑल मेडिकेशन है आप उसको आ, दिन में एक बार ले सकते हैं पांच दिन के लिए आप ले सकते हैं उसको बिगिनिंग एट द बिगिनिंग ऑफ योर मैंस्ट्रोल साइकिल जब आपके मैंस्ट्रोल साइकिल बिगिन होते हैं तो पांच दिन के रिय उससे क्या होगा आ, आप लोएस्ट पॉसिबल डोज से लेंगे और धीरे धीरे आपके डॉक्टर उसको इंक्रीज करने लेंगे वंस अ डे फॉर फाइव डेज एट द बिगिनिंग ऑफ योर मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक है ये क्या करेगी ओव्यूलेशन करवाएगी और पंद्रह परसेंट केसेज ऐसे भी होंगे जो इससे भी रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे सो फिफ्टीन परसेंट केसेज हैं जो मैक्सिमम डोज से रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे अगेन डोज कम से कम डोज सेकेंड बढ़ाया थर्ड बढ़ाया तो बढ़ाते रहना पड़ता है इसमें सो so, ऐसे केसेस में जो दूसरी दवाइयाँ हैं वो इस्तेमाल की जाती है लेट्रोजोल करके एक दवाई है ये एरोमेटेज इनिबिटर होता है ये वैसे ब्रेस्ट कैंसर वाले पेशेंट्स को भी दी जाती है क्योंकि ये एरोमेटेज यानी ब्रेस्ट कैंसर को बढ़ाने वाले आ, आ, एक आ, जो रिसेप्टर उसको ब्लॉक करता है ब्रेस्ट कैंसर का कोई ऐसा ट्रीटमेंट के लिए नहीं है ये क्या करता है ये ओव्यूलेशन जंप स्टार्ट कर सकता है आपका लेटरली आपके पॉलिसिस्टिक सिंड्रोम में तो लेट्रोजोल एक बहुत अच्छी दवाई ये भी ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन ब्लॉक करता है इंक्रीजेज द रिलीज ऑफ एफ एस एच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन टू स्टिमुलेट ओव्यूलेशन एफ एस एच निकलता है आपके पिट्यूट्री से थर्ड मेडिकेशन आपकी मेटफॉर्मिन मेटफॉर्मिन जो है वो पी में बहुत दी जाती है डायबिटीज़ की मेडिसिन है ये इंसुलिन रेजिस्टेंस में हेल्प करती है इफेक्टिवली इंसुलिन को इस्तेमाल करने में हेल्प करती है फर्स्ट लाइन नहीं है ये पॉलिसिस्टिक ओवरिन सिंड्रोम में और लेकिन ये एनकरेज uh, इंक्रेज कर सेकेंड लाइन है मतलब तो पहले नहीं हो रहा तो सेकेंड लाइन में ये दी जाती है ये क्या करेगी इंकरेज करती है रेगुलर पीरियड्स एंड ओव्यूलेशन मेटफॉर्मिन हमेशा रेकमेंडेड नहीं है इज uh, खासकर ऐसे लोग जो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे उनको नहीं दिया जाता पतले नहीं हो पा रहे उनके लिए दिया जाता है बिकॉज मेटफॉर्मिन को लेटराजोल और क्लोमिफिन के साथ कंबाइन करके देना बहुत अच्छा नहीं होता सो so, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गई उसके बाद देर आर गुनाडोट्रोफिन मतलब इंजेक्शंस हैं हॉर्मोन्स के जो ओव्यूलेशन कर पाएंगे और जो लोग दवाई से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे वो 15-20 परसेंट लोग उसके अलावा अल्टीमेटली सर्जरी अवेलेबल है ऑपरेशन का ऑप्शनस हैं सर्जरी अगर दवाई से नहीं तो सर्जरी मतलब क्या लैप्रोस्कोपिकली जाके आपके लेजर से बहुत छोटी छोटी नीडरों से आपके ओवरी में होल्स बना दिए जाते हैं ओवरी में इससे क्या होता है इससे आपके जगह बन जाती है बाहर निकलने के लिए है ना अंडों को बाहर निकलने के लिए तो आउटर शेल ओवरी का तोड़ दिया जाता है जो कि ब्लॉक कर रहा है राइट सो इसको तोड़ते हैं तो वो बाहर निकल पाते हैं तो फिर आपके ओविलेशन होने लगेंगे बाहर आने लगेगा अंडा और अगली बार प्रेग्नेंसी आ जाएगी तो so, ये किया जा सकता है बहुत ही सिंपल आउटपेशन प्रोसीजर माइनर सर्जरी बोल सकते हैं इसको ज़्यादा मेजर नहीं है और इसका क्या है जनरली वापस आपके ओव्यूलेशंस होने लगते हैं छः से आठ महीने के तो तक छः से आठ महीने तक आपके ओवलेशन होने लगते हैं उसके बाद तो अगले उसके बाद छः से आठ महीने में बीच में प्रेग्नेंट होने की कोशिश करना पड़ेगा तो याद रखिए बहुत ज़रूरी है डाइट एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है और कुछ आ, और हर्बल चीज़ें ऐसी वैसी चीज़ें होती हैं वो आप अपने तरफ से ट्राई कर सकते हैं कोई दिक्कत वाली बीत बात नहीं है लेकिन अल्टीमेट ट्रीटमेंट यही है सो तो पॉलीसिटिक ओवरिन डिजीज से प्रेगनेंसी हो सकती है आपकी भी हो सकती है तो और भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए लोगों को ज़रूर ज्ञान चाहिए ये ज़रूर ज़रूर बताइए और थैंक यू सो मच देखते रहे हमारे वीडियो मैं डॉक्टर परमजीत आप देखें डॉक्टर एजुकेशन स्टे कनेक्टेड स्टे हेल्थी